क्या होगा अगर हम आईफोन को जमीन के नीचे गाड़ दें? क्या ये उस गहरे खड्डे में सिग्नल पकड़ पाता है या फिर नहीं? पर मम्मी जी को मैं पूछता हूँ, मम्मी जी आपको क्या लगता है जब मैं इसे अंदर डालूंगा तब क्या ये फोन सिग्नल पकड़ पाएगा या फिर नहीं? मुझे नहीं लगता कि पकड़ पाएगा। नहीं पकड़ पाएगा? तो मम्मी को ऐसा लगता है कि आईफोन फेल हो जाएगा, क्या ये काम करेगा या फिर नहीं करेगा? दोस्तों अभी हम बाहर आ चुके हैं, औजार मैंने ले लिए हैं और अभी हम यहाँ पर खड्डा खोद के आईफोन को गाड़ने वाले हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि अगर गलती से कोई खुदा ना खास्ता किसी खड्डे में फंस जाए या फिर ऐसी जगह पर फंस जाए जो जमीन के अंदर है तो क्या आईफोन हमारा सिग्नल पकड़ पाता है या फिर नहीं। जैसे कि एप्पल प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड रहा है, एप्पल वॉच ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, तो क्या हमारा आईफोन भी इतना कैपेबल है कि वो जमीन के अंदर सिग्नल पकड़ पाता है या फिर नहीं? यहाँ पर अभी एयरटेल और जियो दोनों का सिग्नल है, बस अब हम देखेंगे क्या ये सिग्नल जमीन के अंदर रहता है या फिर नहीं। तो गाइस अभी खड्डा खोदने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, थोड़ी देर निकल यहाँ पर खड्डा खोदेगा और उसके बाद मैं यहाँ पर खड्डा खोदूंगा। कोशिश करेंगे हम जितना गहरा हम खोद पाए उतना गहरा हम खोदेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं एक वर्किंग आईफोन दिखा देता हूँ, पूरी तरह से फुली फंक्शनल वर्किंग आईफोन है, कैमरा भी इसका बढ़िया से काम कर रहा है। एक बार कॉल करता हूँ मैं इस फोन से। हे सीरी, कॉल टू निखिल कौशल। देखो गाइस बढ़िया से काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो अभी मैं इस आईफोन को बबल रैप कर देता हूँ। ये हमने बबल रैप कर दिया है और उसके बाद ये जाएगा इस डब्बे के अंदर। ये आप देख लो, ये आईफोन है और ये जा रहा है इस डब्बे के अंदर और ये अंदर चला गया है। अभी मैं एक बार कॉल करके देखता हूँ कि सिग्नल जाते हैं अंदर या फिर नहीं। तो गाइस कॉल हमारी लग चुकी है, ये माइक के पास लेके जा रहा हूँ। देखो अंदर डब्बे के अंदर आईफोन बज रहा है, आवाज मुझे सुनाई दे रही है, तो मतलब इसके अंदर सिग्नल अभी तक तो आ रहा है। अभी हम अंदर डालेंगे, थोड़ा सा खड्डा खोल दिया है, अभी और खोदना है, अभी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है इसे खोदने में। तो पहले हम खड्डा खोद लेते हैं उसके बाद अंदर डालते हैं। ये अभी तक भी बजे जा रहा है। कॉल मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। जियो रे बिहार के लाला। तो गाइस यार बहुत ही मेहनत का काम है, इस बात पे लाइक बनता है और शेयर तो जरूर बनता है और नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो हम खड्डा खोद रहे हैं तब से और अभी पसीने आ चुके हैं, अभी तक थोड़ा जैसा काम हुआ है और इसमें हालत टाइट हो चुकी है। तो सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक तो बनता है, कम से कम इस वीडियो में हम 20,000 लाइक तो एम करते हैं। 20,000 लाइक कैसे भी करके दिलवा दो यार, शेयर कर दो। पिछली बार भी हमने 20,000 ही कहा था और आपने पिछली बार भी नहीं किया था, इस बार कर देना यार। इस बार हम डबल से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो गाइस यार खड्डा हमने खोद दिया, लगभग 2 फुट के ऊपर होगा, इससे ज्यादा अभी हम खोद नहीं पा रहे क्योंकि हम सुबह के लगे हुए हैं और अभी शाम का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और हमें ये वीडियो कंप्लीट भी करनी है। तो गाइस इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, 2 फुट से ऊपर तो हमने खड्डा खोद दिया है पर जैसे हम फोन रखेंगे हम उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा मिट्टी डालने वाले हैं खड्डे के ऊपर। लगभग 3 फुट अंदर हमारा फोन रहेगा, उसके ऊपर हम और मिट्टी डालने की कोशिश करेंगे, फिर कॉल करके देखते हैं क्या ये काम करता है या फिर नहीं और जो साउंड है वो बाहर आती है या फिर नहीं जब हम इस पे फोन करेंगे। तो मम्मी को ऐसा लगता है कि आईफोन फेल हो जाएगा, मुझे भी पता नहीं है, निखिल को पता नहीं है, कैमरा को पता नहीं है क्या ये काम करेगा या फिर नहीं करेगा। चलिए मम्मी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर आने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। चलो ठीक है मम्मी ने कह दिया, चलो मिलते हैं मम्मी जी बाद में। तो गाइस यार अभी हम रेडी हो चुके हैं, पहले तो मैं आपको एक बार फिर से फोन दिखा देता हूँ। ये हमारा तब से डब्बे के अंदर ही था, तो ये आप देख सकते हो फोन हमारा चल रहा है बढ़िया तरीके से और यहाँ पर सिग्नल भी पूरा है एयरटेल और जियो दोनों सिम में। तो अभी इसको मैं फिर से अंदर डाल देता हूँ, ये देखो ये अंदर चला गया और अब जाएगा डब्बे के अंदर। डब्बा बंद, डब्बा खड्डे के अंदर सेंटर में रखते हैं। चलो अब बारी है ऊपर मिट्टी डालने की। चलिए मिट्टी डालना शुरू करते हैं। वाव क्या साउंड इफेक्ट था यार, आईफोन की कवर, वाव। तो गाइस अभी फोन दिखना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, फोन अभी हमें नहीं दिख रहा है और अभी और मिट्टी डाल देते हैं। क्या पता हम एक आईफोन यहाँ पर उगा रहे हैं, इसको लगा रहे हैं, 2-3 आईफोन निकल जाए।
तो गाइस यार मिट्टी हमने डाल दी है इसके ऊपर और अभी हमारा फोन लगभग 2 फुट के अंदर है। और इसके बाद जैसे मैंने आपको वादा किए थे इसको हम और गहरा डालने के लिए इसके ऊपर और हम मिट्टी डालेंगे, तो वहां पर मैंने एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल ली है, तो वो काम भी कर लेते हैं वादे के मुताबिक। गाइस यार कुछ ज्यादा यार मैं थक चुका हूँ और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, तो जल्दी से करते हैं थोड़ा। अभी निखिल हमारी हेल्प कर रहा है, थोड़ी मिट्टी डाल रहा है, काफ़ी मिट्टी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, थोड़ी सी और डालेंगे। ये आप देख लो मिट्टी का ढेर लगते जा रहा। भाई माइक देने दे, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे आवाज आएगी। अब हम फोन करेंगे, मेरे को नहीं लगता कि फोन लगेगा, तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं थोड़ी सी मिट्टी और डाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फोन करके कि क्या होता है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, फोन लगता है या फिर नहीं, अभी बता दो कमेंट करके, क्योंकि बाद में तो हम बता ही देंगे, जल्दी से बता दो। तो गाइस यार हमने आईफोन की समाधि यहाँ पर लगा दी है, अब बारी है रियल टेस्ट की, कॉल करने वाले हैं हम, देखते हैं क्या सिग्नल अंदर तक पहुँचता है या फिर नहीं। यहाँ पर मैं कॉल करने वाला हूँ खुद को, तो कॉल की जा रही है, कॉल हमने लगा दी है, स्पीकर पे हम फोन को डाल देते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कॉल हमारी लग चुकी है पर फोन हमें सुनाई नहीं दे रहा अंदर, तू सुनना जरा। देखो कॉल हमारी चली हुई है, सिग्नल अंदर पहुंच रहा है बट आवाज हमें फोन की सुनाई नहीं दे रही है, इससे आपको आइडिया लग चुका होगा फोन हमने कितने अंदर गाड़ा है। एक बार फिर से कॉल करते हैं, ये देखो कॉल लग गई है, नंबर हाइड कर रहा हूं, देखो कॉल लग गई है। तो गाइस रिजल्ट आपके सामने है, आईफोन पे कॉल हो जा रही है जमीन के अंदर भी। पर अगर आप चाहते हो कि हम बहुत बड़ा खड्डा खोदें कम से कम 15-20 फुट का, उसके अंदर आईफोन डालें, वो टेस्ट करना है, तो इस वीडियो पे अगर 2 मिलियन व्यूज आते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट हम जरूर करेंगे। चलो गाइस अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, अब हम आईफोन को बाहर निकालते हैं और देखते हैं क्या ये सर्वाइव भी कर पाए या फिर नहीं, और कॉल हिस्ट्री भी आपको बताता हूँ कि कॉल हमने की थी वो दिखाई दे रही है या फिर नहीं। चलो निकालते हैं बाहर। तो गाइस अभी हम इसे बाहर निकाल रहे हैं आईफोन को, अभी तक भी हमारा आईफोन नहीं निकला है, थोड़ा जैसा डब्बा दिखा। तो गाइस हमने खोल दिया है और यहाँ पर डब्बा निकालते हैं बाहर। जी हाँ गाइस डब्बे के अंदर भी थोड़ी मिट्टी चली गई है, ये आप देख सकते हो डब्बे के अंदर भी मिट्टी चली गई है, तभी हमने इसको बबल रैप कर दिया था कि हमारी तरफ से फ़ोन बचा रहे और बाकी देखते हैं। हाँ और ये देखो जस्ट हमने बाहर निकाला और 4 कॉल्स आई हैं, 9 मिनट है वो निकालने में, 9 मिनट लगे इसको बाहर निकालने में, तो ये 4 कॉल आ चुकी हैं और आईफोन काम कर रहा है बढ़िया से, हो फुली फंक्शनल आईफोन। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस तरह की वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, आगे चल के हम और भी मस्त मस्त वीडियोस लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके किसी और वीडियो में, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।